स्थित उपलवाड़ी क्षेत्र से एक मानसिक तनाव का मामला उजागर हुआ है, जहां एक तानाशाह महिला की दादागिरी के चलते एक निरपराध व्यक्ति का घर तोड़ा गया, जहां महिला ने नितिन राउत के नाम से दबंगाई फैला रखी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। दरअसल उपलवाड़ी क्षेत्र में स्थित आरके सोसाइटी में बजरंग बोर के नामक व्यक्ति लेथ मशीन का कारखाना चलाता है, जहां उसके कथनानुसार थ्रीफेज की सुविधा के साथ ही सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ताकि स्थानीय जनता को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो। लेकिन वही प्लॉट नंबर 111 निवासी शबनम मुस्ताफ खान नामक दबंग महिला बजरंग को बार बार परेशान करी थी और नितिन राउत का हवाला देते हुए दुकान तोड़ने की धमकी देती थी, और उसने वैसा ही किया, जिसके कारण बजरंग बोरिया द्वारा नितिन राउत को पत्र लिखा गया है, जहां उसने महिला की शिकायत की है। साथ ही साथ यदि इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो खुदकुशी का इशारा भी संबंधित पत्र में फिरियादी ने दिया है। मैं बजरंगी मौर्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, गोविंदगढ़ का रहवासी हूं, कामटी रोड। उसके बाद मेरा कारखाना है यहाँ पे जेसीबी रिपेयरिंग का, और इसके पहले मैं बाजू में 3 साल किराए चलाया, तब किसी को तकलीफ नहीं था। उसके बाद मैंने परमिशन लिया यहाँ से, सबकी साइन लिया, सबकी सहमति से मैंने कारखाना डाला। उसके बाद ग्राम पंचायत का NOC है मेरे पास, उद्यम आधार है, गुमास्ता है, GST सही, सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुआ इनको। बाद में क्या हुआ, ये ज़बरदस्ती मेरा तोड़ा गया, ठीक है। हाँ, किराए था तब कोई तकलीफ नहीं था। जब मैं ये प्लाट खरीद रहा था, इन्होंने बोले 14 लाख का प्लाट बाजू में है, वो ले लो। मैंने नहीं लिया, मैंने वो 10 लाख में मिला, मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे को 30,000 रुपये महीना मांग रहे हैं, 30,000 रुपये महीना देंगे तो करने देंगे, नहीं तोड़वा देंगे। ये प्रेशर में नितिन राउत साहब के दबाव में करके आके तोड़ दिया मेरा घर, और मीटर 4-5 बार कटवाए हमने, कोर्ट से केस जीते, कोर्ट ने हमको फाइन भी दिया 10,500 रुपये का, MACB ने। शबनम खान ने ये सब करवा रही है, शबनम खान है, और ये अपना क्या बोलते हैं नितिन राउत के दबाव में प्रकाश कांबड़े बोलते अगर किराए से नहीं लेंगे तो मैं तुम्हारा तोड़वा दूंगा, और दोनों मिलकर तोड़वा दिए, यहाँ रहने नहीं देंगे बोले। तो हमारे कार्यकर्ता नहीं हो बोले, तुम BJP वाले हो, तुमको यहाँ हम रहने नहीं देंगे। खान को, शबनम खान को तकलीफ सिर्फ मेरे से है और पूरी बस्ती उनके खिलाफ है। वो बोलती है यहाँ कांग्रेस होना, मेरे को कांग्रेस रहेगा तो हम लोग रहे, सबको रहने देंगे, नहीं तो यहाँ सबको भगा के छोड़ेंगे। ग्राम पंचायत में आता ये एरिया, NIT में नहीं आता है, CT में नहीं आता है, फिर भी मेरा घर तोड़ा गया। मेरा रजिस्ट्री है, जितने में उतने मैंने बांधकाम किया था, टीन का सेट डाला था, मेरे पास पैसा नहीं था स्लैब डालने का। कच्चा बांध काम था वो, और 4-5 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उनका घर कैसे चलेगा। लॉकडाउन में मैंने इसको कम से कम 25-30 सिलेंडर दिया, लोगों को भला किया मैंने, इसने ले जा ब्लैक में बेची है, पैसे कमाए उससे लाखों रुपये। आज मेरे साथ ऐसा कर रही हो, NIT वाले बोलते हैं NIT माता ये, पर ये आता हमारा ग्राम पंचायत में, NIT माता बोलते हैं तुम्हारा मतलब परमिशन नहीं है, ये नहीं है, इनलीगल बना हुआ है, तो पूरी बस्ती इनलीगल बना हुआ है। फिर शबनम खान का भी नहीं है ना, किसी का नहीं है, शबनम खान है, पूरी गोविंदगढ़ कौठा मसाड़ा किसी का नहीं है परमिशन, पूरा कौठा ना नक्शे में किसी का नहीं है, शबनम खान का भी नहीं है नक्शे में, बस वो नितिन राउत साहब का उसका वो सपोर्ट है, प्रेशर है, इसलिए ऐसा कर रही वो। आज हमारा टूटा, कल इनका टूटेगा, परसों उनका टूटेगा, गोविंदगढ़ ऐसी रह जाएगा। रोड बनाना चाहिए, सब कुछ बनाना चाहिए यहाँ पे, अगर NIT है तो, NIT नहीं है तो क्या करना चाहिए। रोड नहीं है, ग्राम पंचायत में वोट देता हूँ, ग्राम पंचायत का NOC है मेरे पास, कोर्ट का ऑर्डर है, हमने केस किए थे, ऑर्डर कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया, मीटर लगा मेरा 4 बार मीटर कटवाई, और इसका पूरा लीगल बना हुआ है, पूरे पोल पे कैमरा लगा के रखी है, कौन आ रहा कौन जा रहा सब देखते रहती घर के अंदर बैठ के। और नितिन राउत साहब का दबाव देती है, मैं जैसा बोलेंगे वैसा होगा, ये शबनम खान है, पूरी बस्ती परेशान है इससे। आपका शुभ नाम? बजरंगी मौर्या। शबनम खान ने बोर्ड लगाई हुई अनलीगल है, वो सबको उसी बोर्ड के ऊपर मतलब धमकी देती है, हमारे साथ नितिन राउत साहब है, ऐसा वैसा जो भी है, और डंडा दिखा दी सबको, या हम रहने नहीं देंगे तुम लोगों को। क्या नितिन राउत साहब नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन ये उनका नाम लेके करवा रही है, ये मेरा कहना है, कोई नेता ऐसा करेगा क्या? आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा। आज 600 स्क्वायर फीट का घर है, NIT क्या बोलती है, वहाँ पे 17 फुट छोड़ो, घर कितने में संडास बाथरूम बनाएंगे हम, 13 फुट में क्या बनाएंगे आप बताओ ना। आज मेरा 1500 स्क्वायर फीट था, मैंने उसमें सिर्फ 500 में बनाया था, नितिन राउत के साथ सामने मैंने छोड़ा, आज जो मेरा नुकसान हुआ भरपाई कौन देगा? नितिन अगर मेरे
मेरे हुआ, मेरे साथ ऐसा घटना घटा है। मेरा ये कहना है ये जो भी घटना हुई है ये बहुत अप्रिय घटना है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है। NMRDA वाले यहाँ आए थे, हमने उनको बोले कि भाई जब आप आए हो तोड़ने, तो ये पूरा कौठा इल्लीगल बैठा हुआ है। यहाँ सब प्लाट वालों ने सोसाइटी के प्लाट बेच के निकल गए। अब ये NMRDA में अगर 2017 से आया है तो NMRDA वालों ने यहाँ पे सबको रोड, पानी, गटर लाइन की व्यवस्था करना था और प्रॉपर पूरी जांच करना था, पूरी जांच करके ये काम करना था। इनको कोई नोटिस देने में नहीं आया, सीधा बुलडोजर लेके आए, पुलिस लेके आए और तोड़ दिए। हमने उनको मना करे, वो चले गए थे, लेकिन जब वो चले गए थोड़े दूर जाने के बाद वो फिर वापस आए, बोले हमको ऊपर से प्रेशर है और हम तोड़ेंगे ही। और उन्होंने गरीब आदमी का सामने का कारखाना पूरा तोड़ के लोगों को बेघर कर दिए, जो कार्यकर्ता करने वाले हैं। ये जो भी हुआ है नितिन राउत जी के कहने पे हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये गलत हुआ है। अब इसकी जानकारी नितिन राउत जी को है नहीं है ये उन्होंने पता लगाना चाहिए, कि उन्होंने कांग्रेस के को कद्दावर नेता है और उन्होंने शबनम खान को उत्तर नागपुर की जिम्मेदारी दी है गोविंदगढ़ की, कि आप गोविंदगढ़ में थोड़ा हमारा कांग्रेस का प्रचार करो। ये अगर ऐसा करेंगे तो उनका दुष्प्रचार होगा, कोई भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कि जो उनको वोट देंगे और वो उसी का घर अगर तोड़ देंगे तो कैसा काम होगा। और ये जिस जो एरिया है, ये जहाँ आप इस समय अपन गोविंदगढ़ में खड़े हैं, ये कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र है। ये इनके आमदार है माननीय टेकचंद सावरकर जी, ना कि नितिन राउत। तो नितिन राउत जी जब यहाँ है नहीं, तो नितिन राउत जी को यहाँ बीच में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और अपन किसी का भी घर बसाने के लिए बैठे हैं, मोदी जी बोलते हैं लघु उद्योग लगाओ, कारखाने लगाओ, लोगों की मदद करो, मुद्रा लोन दो, और अगर लोग अगर ऐसा करने लग गए तो फिर लोग किसके पास जाएंगे। अब मोदी जी तो यहाँ आ नहीं सकते, क्या नहीं भैया, और हमारी बात वो इतनी जल्दी सुनेंगे नहीं अगर हम PMO में कोई कंप्लेंट भी डालेंगे तो यहाँ का जो लोकल नेता है वही सुनेगा ना। और लोकल नेता अगर हमारे साथ अन्याय करेगा तो हमने किसके पास जाना, फिर हम मीडिया के पास जाएंगे। अब मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जग जाहिर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग मकान बनाते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं रहती, क्योंकि सोसाइटी के वो बड़े मेहनत के पैसों से मकान लेता है, बड़े मेहनत के पैसों से ईंटें लगाता है और दिन भर वो इतना काम में व्यस्त रहता है कि रोजी रोटी के चक्कर में वो काफ़ी व्यस्त रहता है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती। सरकार का इतने एरिया का जो NIT है, NMRDA है या जो भी संस्था है ग्राम पंचायत, उनका काम है कि पहले किसी भी इंसान को सही जानकारी दी जाए और उस सही जानकारी के हिसाब से उनकी मदद की जाए। आज ये तोड़ के उनको क्या मिला, क्या लेथ मशीन का कारखाना आवाज़ करता है? कुछ भी आवाज़ नहीं करता लेथ मशीन कारखाना, 10 फीट के ऊपर आवाज़ नहीं करता लेथ मशीन का। और पूरे सिटी, नागपुर सिटी में हर 2 घर छोड़ के, हर 4 घर छोड़ के वेल्डिंग के कारखाने हैं, पलंग के कारखाने हैं, लेथ मशीन के कारखाने हैं। अगर ऐसा ही लोग आपसी रंजिश और आपसी दुश्मनी निकालते रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई काम नहीं कर सकेगा, क्या कैसा काम होगा। बाजू में इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, उसका रात दिन आवाज़ आता है, उसका पानी इतना गंदा आता है हरे मटर और अनानास का कि 60-60 फीट नीचे बोरिंग, यानी 400-400 फीट बोरिंग में पानी गंदा आता है। तो वो पानी को फिल्टर करते करते एयर RO खराब हो रहे हैं। जब उनको ये, और हम जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री है, यहाँ इसका अकेला मकान नहीं है, और भी मकान है, और भी कारखाने हैं, सब लोग अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। वो आप किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बजरंगी मोहरे से इतनी बड़ी स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे, आज वो स्कूल वालों को तकलीफ नहीं है। और इसके आजू बाजू तो पूरा खाली एरिया है ना जी, जब इतना खाली एरिया रहने के बाद आप किसी को तंग कर रहे हो, और उसको बहुत ज़्यादा ही तंग कर दिया है इन्होंने, कि नुकसान भरपाई दी जाए। NMRDA को बोला जाए कि नहीं भाई ये आपके हाथ से जो डिसीजन हुआ है गलत हुआ है। NMRDA वाले साहब को हमने बोले थे तो वो बोले मेरे को ऊपर से ऑर्डर है भैया, बोले मैं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगा, बोले मैं किसी की सुनूंगा नहीं, बोले। टेम्बुड़ने साहब आए थे, टेम्बुड़ने साहब ने आए थे, उन्होंने हाँ उन्होंने ग्राम पंचायत से किसी को लाना था, तहसीलदार को लाना था, BDO को लाना था, और उन सबके सामने उसको एक बार समझा के एक नोटिस देना था और उसके बाद कोई कार्रवाई करना था। अगर वो नहीं मानता या उसके पेपर गलत रहते तो आप कार्रवाई के हकदार है, लेकिन इतने अंदर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको ये एरिया मालूम नहीं था, उनको ये एरिया यहाँ के जिन्होंने कंप्लेंट करे, उन्होंने शबनम खान ने उनको ये एरिया बताई, लाके दिखाई, और इसके शबनम खान ने यहाँ तक आके उसका बार बार फ़ोटो खींच के उनको दी है।
अब नितिन राउत जी से हमारी मुलाकात हम चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। अगर वो हमको समय दे और उनको यहाँ की प्रॉब्लम पता चले तो ये उनका वोट बैंक है, लेकिन ये उनका वोट बैंक कमज़ोर हो गया है। अब हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि उनको वोट दो करके उत्तर नागपुर में, क्योंकि हमारे दोस्त लोग हैं, हमारा उत्तर नागपुर में कारखाना है, हम क्यों देंगे उनको वोट? आज वोट देंगे, कल आके हमारा कारखाना तोड़वा देंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।